अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज ही मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के स्कूल, उसकी बुक्स लेने के लिए। और मुल्कों का पता नहीं क्या क्या सिचुएशन है आजकल, कि पढ़ाई शुरू हुई है, स्कूल शुरू हुए हैं या नहीं। सऊदी अरब में जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की जा रही है, तो जिस जिस के स्कूल में जैसे बच्चे, उनको मैसेजेस आ जाते हैं कि भाई आके अपनी बुक्स जो है वो ले जाएं। तो जिस तरीके से जिस दिन मैसेज आएगा तो उस दिन जाके बुक्स स्कूल से ले लेनी होती है। तो जी आज मेरी छोटी बेटी जो कि थर्ड क्लास में है, तो उसकी बुक्स लेने जा रहे हैं। और बच्चे तो जैसे स्कूल जाना ही भूल गए हैं बिल्कुल ही, इस वायरस कोरोना की वजह से बिल्कुल ही ज़िंदगी का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो गया है। तो अल्लाह ताला से बस दुआ है कि या अल्लाह हर चीज़ जल्दी से अपनी रूटीन पर आ जाए। अब पढ़ाई जो है वो बच्चे ऑनलाइन घर पर ही पढ़ेंगे, तो देखते हैं कि कैसी पढ़ाई। पहले भी जब जैसे ही स्कूलों से छुट्टियां दी थी वायरस कोरोना की वजह से, तो तब भी यहाँ मक्के में ऑनलाइन ही पढ़ाई शुरू की, तकरीबन 1 से 2 महीना ऑनलाइन ही पढ़ाई जारी रखी थी उन्होंने। तो जी बुक्स ले ली हैं, और ये अब मेरी दूसरी बेटी का स्कूल, ये भी अपनी बुक्स लेकर आ जाएगी। तो बाकायदा माशाल्लाह ये है कि टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एहतमाम देती हैं बच्चों का। ऑनलाइन रोज़ाना बच्चों की एब्सेंट प्रेजेंट भी देखेंगे, और बच्चों के टाइमिंग है स्कूल रोज़ाना ऑनलाइन होने की, जो नहीं होगा ऑनलाइन वो एब्सेंट हो जाएगा। और ये बाकायदा उनको रोज़ का कि ये बुक्स यानी रोज़ की टाइमिंग के हिसाब से उनकी सारी बुक्स हैं। ये मेरी बेटी की थर्ड क्लास की बुक्स और उसका ये सारा पेपर, और ये मेरी बेटी जो 9th क्लास में है उसकी सारी बुक्स। तो जी देखें इंशाल्लाह कैसी जाती है पढ़ाई, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी अल्लाह करे बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाए जिस तरीके से भी, ऑनलाइन या स्कूलों के थ्रू, ताकि बच्चे अपनी अपनी रूटीन पर आ जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।